अगर आप किसी भी न्यू टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं हरबीर सिंह, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल लर्न इजी विद हरबीर सिंह में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी चीजें जेन्युइन मिलेंगी। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा में न्यू टीचिंग पोस्ट आने वाली है, इसके बाद दिल्ली में भी टीचिंग पोस्ट आने वाली है, उम्मीद लगाई जा रही है। और इसके सिलसिले में मैं जल्दी ही दिल्ली में वैकेंसी आएंगी नहीं आएंगी कितनी आएंगी इसके लिए मैं जल्दी ही कुछ इंक्वायरी लेने वाला हूँ, कुछ पूछताछ करने वाला हूँ, जिससे मुझे जेन्युइन सोर्स से पता चलेगा तो मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। हालांकि जो मुझे अभी तक पता चला है वो ये पता चला है कि दिल्ली के अंदर भी टीचिंग पोस्ट आने वाली है। अभी हम बात करते हैं हरियाणा की। जैसा कि आपको पता है कि हरियाणा के अंदर 9000 टीचिंग पोस्ट आने वाली हैं, और हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी ने भी आश्वासन दिया था कि हरियाणा के अंदर 9000 टीचिंग पोस्ट जल्दी ही आने वाली हैं। इसके बाद जो राजेश पाल जी हैं, उनसे मेरी पहले बात हुई थी, तो राजेश पाल जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जल्दी से टीचिंग पोस्ट आ जाए। इसके बाद साथियों, राजेश पाल जी एक नया स्टेप लेने वाले हैं। 24 जनवरी दोपहर 12 बजे नेहरू पार्क जींद में जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एचटेट कर रखा है, न्यू वैकेंसीज के लिए वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं। मींस अपनी मांगे रखेंगे, सरकार से क्वेश्चन करेंगे कि कब तक वैकेंसीज आने वाली हैं। ये एक अच्छा स्टेप है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो जनता की पावर होती है, जो जनता इकट्ठी होगी तो एक अलग प्रभाव पड़ता है उस चीज़ का, क्योंकि पॉलिटिशियन एक चीज़ देखते हैं कि कितनी पब्लिक इकट्ठी हो रही है। तो साथियों, अगर आप हरियाणा से हैं और आप भी टीचिंग पोस्ट की वेट कर रहे हैं तो ज़रूर इन साथियों का सहयोग करें। जैसा कि हम पिछले टाइम से देखते आ रहे हैं कि ये साथी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी से भी इन्होंने मीटिंग करी थी। अब वैकेंसी कुछ ही दूर है, और अगर आप इनका सहयोग करते हैं तो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो साथियों, आप दोबारा सुन लीजिए, 24 जनवरी दोपहर 12 बजे नेहरू पार्क जींद, तो यहाँ पर इकट्ठे होंगे। इसके बाद जो मिनिस्टर्स हैं इनसे वो मिलेंगे और अपनी मांगे बताएंगे कि हमारी ये मांगे हैं, इसमें ये डिले हो रहा है। मंत्री जी ने, जो मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया है, तो फिर डिले क्यों है। तो साथियों, बहुत अच्छा स्टेप लिया जा रहा है इन साथियों की तरफ से, और मैं चाहता हूं कि आप सभी इनका सहयोग करें। और साथियों, इसके बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल देता हूं, डायरेक्ट इन साथियों से आप बात कर सकते हैं, राजेश पाल जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इसके बाद साथियों, हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा दिल्ली में वैकेंसीज, तो इसके लिए भी हम जल्दी ही स्टेप लेने वाले हैं। न्यू वैकेंसीज, जैसा कि आपको पता है कि वैकेंसीज आने वाली हैं। पहले क्या हुआ था, जो गवर्नमेंट ने पास कर दी थी तो ये डीएसएसबी के पास वैकेंसीज गई हैं। अब डीएसएसबी कितना टाइम लगाता है, अब ये देखने वाली बात है। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।